नहीं, और भाई ये बहुत सही है, वेट भी काफी है, वेट भी अच्छा हो तो। अरे हेलो सलाम नमस्ते, कैसे आप सब? होप करते हूँ कि आप अच्छे होंगे, खतरनाक होंगे हमेशा की तरह। तो आप सोच रहे हो कि आज मैं गाड़ी में इंट्रो क्यों बना रहा हूँ, तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन जगह, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहानी बहुत सही कंटेंट है, और मतलब फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो ऐसा कुछ आने आ रहा है। और अभी हम जा रहे हैं, हमें बहुत दूर जाना है और हम लेट भी हो गए हैं यार, हमेशा मतलब लेट हो जाते हैं, ना चाह के भी मैं लेट हो जाता हूँ, क्योंकि अभी उठाना है हमें, दिखाते हैं किसको उठाना है किसको नहीं। और मतलब इतना जाम, जिस दिन लेट निकलो घर से उस दिन इतना जाम मिलता है ना, और इस रोड पे तो हमेशा जाम मिलता है। चलते हैं आगे और पहुंच के ही बात करते हैं, मिलवाते हैं आपसे कौन कौन जा रहा है हमारे साथ। यस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो, इंस्टाग्राम पे मैं पहले डाल देता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। और यार बहुत मतलब मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल, मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे साथ। कभी कुछ टेस्ट वगैरह भी करा लिए, मतलब सब एकदम, चलो छोड़ो क्या ही बोलो। ये देखो यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, देखो भाई साहब। तो हमारे सूरज भाई आ चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी हम? हम जा रहे हैं मेरठ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मेरठ जा रहे हैं, और अभी हम फिलहाल है कालिंदी कुंज पे। और मतलब ये देखो जाम, देखो इतना जाम है लगा हुआ है ना, क्या ही बताएं, पूछो मत, खतरनाक। और यहाँ पे वापस से पानी भर गया है, वरना तो पूरा सूख गया था। ये तुमने ब्लॉग में दिखाया था, ब्लॉग में दिखाया था गौरव भाई ने, और मतलब पूरा सूख गया था। अब तो फिर भी पानी बहुत हो गया। पानी से क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको पानी वानी पी लेते हैं गाय वाय। हाँ यहाँ पे, और अब देखो वापस से वहाँ पे गाय वाय नीचे आ रही है, हरियाली आ रही है, और अभी गाड़ी चलाते हैं ज्यादा आवाज इट भी ट्रैफिक है। फिलहाल हमने अपनी गाड़ी कर दी है यहाँ पे खड़ी, और हम आ गए हैं, हम अपनी लोकेशन में मतलब ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। और ये रही हमारी मंजिल जहाँ हमें आना था, मानवगंज। आप एक बार बाहर बोर्ड देख सकते हो, और जहाँ हमें जाना है अंदर। चले भैया, एक्साइटेड हो? डन, बहुत ज़्यादा। चैनल पर मतलब पहली बार कुछ ऐसा आने वाला, इससे पहले मैंने टॉयगन दिखाई थी, और अब थोड़ा मतलब असली तो नहीं, बट एयर पिस्टल बोल सकते हो और साउंड गन बोल सकते हो, जो कि मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए होती है। जैसे अगर आप फार्म वगैरह में रहते हो तो वहाँ पे यूज़ होती है, और अगर आप मतलब शूटिंग के शौकीन हो तो उस पर्पज़ से भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, चलते हैं और कलेक्शन दिखाते हैं। चले तो घुसते ही आपको अंकल जी मिल जाएंगे, नमस्ते अंकल जी। और ये अपने मानव भाई मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। क्या बात है, मानव भाई पहले से सजावट कर रखे हैं। किसने बोल दिया था हम आने वाले? सूत्रों से इनको पता चल गया था हम आने वाले। इन्होंने देखो भाई सजावट कर रखी है, तो देखो हमें अभी नाम नहीं पता, तो हम एक एक करके पूछते हैं भाई ऐसे। चो भैया कहाँ से स्टार्ट करें बताओ? तो पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो कि अरे बहुत कम ही मिलेगी कहीं भी, ये यूजी एयर पिस्टल। हाँ ये भाई पबजी वाली गन है, तो यूजी है, अब पता चला। मैं कहूंगा ना कहीं देखी है इसको, अपने पीएसओ को दे दूं क्या? सपनों में देखी है, सपनों में नहीं। मतलब जो पबजी खेलते हैं उनको यार पता होगा, अगर आप पबजी प्लेयर हो ना तो उनको पता होगा। मेरे को नाम याद नहीं आता, मैं वही कह रहा देखी तो ये। तो ये लोड वोड भी होती है भैया इसके साथ? ये लोडर होता है। अरे वाह, इसको आप आगे से इस तरीके से लगाइए और ये पूरा लोड हो जाता है, फिर इसको बाहर निकालते हैं और फिर कर सकते हो जो बोले फालतू उस पे लाग दो। वो भाई बड़ी तेज आवाज है इसकी, तो क्या बात है। तो ये मतलब ये ऐसी शो पीस है या फिर ये भी बिकने के लिए रखी हुई है? नहीं, बिकने के लिए है इसको। तो ये कितने की है? 4500 लगा सकते हो, ये 4500 इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, और अगर यूज करनी है तो निकाल के खट खट थाड़ यूज कर सकते हो। और बहुत सा आजकल बच्चों को शूटिंग प्रैक्टिस सीखनी है जैसे कि, तो ये उनके लिए शूटिंग प्रैक्टिस के लिए गन है, जो बेसिकली खाली शूटिंग प्रैक्टिस के लिए है। शूटिंग प्रैक्टिस मतलब जैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो इंडिया गेम्स में कितना अच्छा, ओलंपिक्स में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप अभी से अपने बच्चों को, या अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप शूटिंग में जाना चाहते हो, तो ये गन आपके लिए मेरे ख्याल से मानव भाई परफेक्ट है ना। इजीली लोड जाएगी, इसमें लोडर दिया हुआ है, लोड करना है आपको ऐसे करके, और इसमें यहाँ पे पैलेट डलता है ना भैया? हाँ जी, क्योंकि मेरे को पता है एक बार मैं मेले में गया था, तुम्हारे भाई ने सारे मारे थे, अगर वो वीडियो देखी तो आई बटन में आ रही होगी। तो ऐसे करके मतलब रख के, ओ भाई बड़ी तेज आवाज है इसकी। तो ये बेसिकली शूटिंग प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपका जो पैलेट है पूरा स्पीड के साथ एक्यूरेट जाए। अच्छा, अभी ये कितनी रेंज कवर करेगी? 10 से 15 मीटर आराम से। 10 से 15 मीटर आराम से, 10 मीटर आपका एक्यूरेट मारेगी। अच्छा, मतलब जैसे अगर आप बिगनर हो तो ये गन आपके लिए परफेक्ट है। ये कितने की है? 4000 रुपीज़
4000, तो इसके साथ हमें और क्या क्या मिलेगा भैया? इसके साथ आपको 200 पैलेट्स मिलेंगे। 200 पैलेट्स मिलेंगे, वाह क्या बात है। तो अगली बार है यार, ये चीज़ तो मेरे को बहुत सही लगी। उसके बाद एक आता है एक और जो ये भी शूटिंग प्रैक्टिस, और इसमें आप साउंड कोक भी यूज कर सकते हो, दोनों फीचर हैं इसके अंदर। बेस साउंड कोक का क्या फायदा होता है? साउंड कोक जैसे आप ये आप कैसे कहीं पार्टी में चलाना है, कहीं चलाना है, वो इसी काम आता है। आवाज के लिए ऐसे चलाते हैं ना, जो मतलब साउंड कोक से इसकी आवाज बढ़ जाएगी ना, एंड हो जाएगी। और यार ये बस ये अपने मतलब फन के लिए यूज करने वाली चीज है, कभी आप लगा के किसी को ऐसे वसूली कर दो तो वो उस चीज के लिए, उस पर्पस के लिए नहीं बनी हुई है। हो जाएगी वैसे। अच्छा ये भाई तो बहुत भारी है, मतलब इतनी भारी है दिखने में लग रही है, बट ये भी बड़ी सही है। इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम तहलका बिग पिस्टल। तहलका बिग पिस्टल, क्या नाम, क्या बात है भाई, दिखने में भी तहलका है यार ये। और इसकी आवाज सुनते हैं एक बार, टाइट है, आवाज में भी तहलका है ये, क्या बात है। ये कितने की होगी? ये 2000, क्या बात है यार, बढ़िया है ये भी। और कुछ तो इन सबको भैया क्या बोलते हैं? ये सब एयर पिस्टल होते हैं, एयर पिस्टल जो बेसिकली शूटिंग प्रैक्टिस के लिए या फार्म हाउस वगैरह। हाँ, जैसे मतलब कई बार क्या होता है फार्म हाउस पे, मतलब कुछ ऐसे जंगली जानवर आ जाते हैं जिनसे हमें खतरा हो सकता है, तो आप सिर्फ आवाज मात्र से उनको डरा सकते हो, तो उसके लिए बेस्ट है। एक और देख रहा हूँ भैया, अभी ये बताओ ये कितने की है? ये 1500। ये 1500 की है, सबसे सस्ती है ये मेरे ख्याल से है। ये नॉर्मल क्वालिटी है। अच्छा, नॉर्मल क्वालिटी है। ये भी बढ़िया है यार, अगर कोई शौक पूरा करना चाहता है तो इससे पूरा कर सकता है। तो नेक्स्ट किस पे बढ़ने वाले भी हम? नेक्स्ट फिर आपको ये दिखाता हूँ। अरे वाह, इसमें क्या है कि इसका बैरल छोटा है, तो इसलिए कंपनी ने लोड रख दिया हुआ है। क्या अगर छोटा बच्चा भी होगा तो उसको आराम से लोड कर सकता है, सही है इस तरीके से आराम से। अब ये लोड हो चुकी है। देखो वैसे तो इससे कुछ नुकसान नहीं है, पर फिर भी गलती से ऐसे करके मार दिया तो नुकसान है। बट ये बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए नहीं है, थोड़े जो मैच्योर हैं उन बच्चों के लिए। जी, जो वो भी बस अगर आप शूटिंग प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है। तो वैसे अभी हम आ गए हैं, स्टार्ट कर दिया हमने बड़ी राइफल को। और ये देखो ये फुल साइज़ है इसका, जो एक्चुअल साइज राइफल्स का होता है ना भैया। जी, तो ये भी मतलब वही है, सेम एयर गन बोल सकते हो, एयर राइफल्स बोल सकते हो। और इसका अगर एक बार इसका डिज़ाइन देखो कितना प्यारा है, अगर आप ऐसे लेके चलोगे ना ऐसे खौफ बना देगा। बट खौफ बनाने के लिए नहीं है, ये बस शूटिंग प्रैक्टिस के लिए है। और एक बार लोड करके देखू क्या मैं, कैसे भैया कैसे बताएगा? करो, इस हाथ को यहाँ रखो, इसको यहाँ पे इससे हाथ मारो ऊपर से। अखरोट मत बोल लेना। क्या बोला तूने? चांद हो? चांद तो नहीं है भाई, छोड़ो आराम से रखो, तुमसे ना हो पाएगा भाई। जब साउंड पैलेट वगैरह लगेगा और बड़ा हो जाएगा। तो भैया क्या रेंज है इसकी? इसकी 6500 है, और इसकी जो पैलेट की रेंज है वो 50 मीटर अबव है। अच्छा, 50 मीटर अबव, क्या बात है। इसमें अभी इतना तेज साउंड है और साउंड लग के तो फिर क्या ही हो जाएगा। और एक देख देख लो, इससे एक छोटी सी, एक मतलब इस छोटी सी तो नहीं, मतलब इस उससे तो छोटी है। और इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है भैया? ये शॉर्ट एयर राइफल है, लुक्स लाइक अ 12 बोर रियल। हाँ, जो 12 साउंड भी इसकी वैसे ही आएगी साउंड को लगाने के बाद। देखो क्या चीज़ है यार, मतलब डिज़ाइन वगैरह बहुत प्यारा है। और ये भी एक बार आवाज़ सुनते हैं यार, इसका भी मतलब साइज बहुत सही है। अगर जैसे आप शादी वादी में आवाबाजी करना चाहते हो, ऐसे जैसे सूरज भाई की शादी हो रही है, सपोज करो ऐसे करके वो शादी हो भाई। तो भाई इसकी क्या रेंज है, ये कितने की है? 6500। 6500 है। और एक और है हमारे पास ब्लैक कलर की, इसका क्या नाम है भैया? ये टाइटन का मॉडल 23 मॉडल है। ये वो है क्या, क्या नाम है इसका? कार बेसिक, नहीं नहीं, बेसिक एयर गन है, जो वैसे छोटे बच्चे भी इसे इजीली लोड कर सकते हैं, लाइट वेट में है। देखो अगर मुझसे लोड हो गई तो मतलब छोटे बच्चों से भी हो ही जाएगी। हाथ मारो पहले ऊपर से ऐसे। आप यहाँ से पकड़ो ना। अच्छा, यहाँ से पकड़ो। हाँ, आप मारो। तो मतलब ये मतलब हल्का है, अगर आप अगर आपको कोई छोटा बच्चा या कोई छोटा बच्चा देख रहा है और शूटिंग प्रैक्टिस करना चाहता है तो बहुत लाइट वेट है, तो आराम से नहीं डर गए भाई एक बार को। बट
ये डराने के लिए नहीं है, बस ये शूटिंग पर्पस के लिए। और इस मतलब इस सेगमेंट में सबसे छोटी ये है भैया। इसका क्या नाम है? मस्कट एयर गन। मस्कट, ओके। और ये भी हो जानी चाहिए, हाथ मारो उस पे ऐसी। ये भी ऐसी होगी क्या? सेम, पूरा नीचे तक ले जाओ उसको, लॉक हो गया। चलो भाई, चटके से ऊपर करो, नीचे लेके जाओ उसको, अब ऊपर करो। और ये ऐसे मतलब एक हाथ से यूज कर सकते हो, मतलब ऐसे भी यूज हो जाएगी और ऐसे भी, और ऐसे भी, मतलब कैसे भी और ऐसे भी। इसका भी मतलब प्रेशर बहुत तेज है। और भैया अगर नेक्स्ट क्या दिखाने वाले, ये कितने की? इसका रेट नहीं बताया। 3000 है। 3000, क्या बात है सबके। और इस अब हम जो जाने वाले हैं, वो हम जाने वाले इससे और बढ़िया सेगमेंट में, है ना भैया? जो एक्चुअल शूटिंग के लिए बनी होती है। दिखाते हैं भैया। गाइस ये जो वीडियो ना थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बट इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। कुछ नहीं मिलेगी, पागल बना रहा। नहीं, बहुत नॉलेज आपको मिलने वाली है, क्योंकि यार हम एक्चुअल में दिल्ली से मेरठ आए हैं सिर्फ ये वीडियो शूट आप लोगों के लिए करने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मतलब ओलंपिक्स में गोल्ड मारना चाहते हैं शूटिंग में, और हमारे देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो यहाँ से गन लेके जाओ और प्रैक्टिस करो, और जब प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए तो और बड़ी गन लेके जाओ और हमारे देश का नाम रोशन करो। सो गाइस अभी जो मैं आपको गन दिखाने वाला हूँ, वो बेसिकली वो शूटिंग पर्पस के लिए है, और वो गन बनी ही शूटिंग के लिए। तो ये देखो एक बार, भाई साहब कैसी लगी सूरज भाई? आप खतरनाक ले जा रहा हूं ना, ले जा रहे हैं तुम्हारी शादी के लिए। मेरी शादी में ये बजाओगे क्या? क्या कह रहे हो, होगी नहीं, सलमान खान हो। सल्लू भाई हमारे साथ, सल्लू भाई नहीं तो यार स्टार्ट इससे करते हैं। मैंने स्पेशल निकलवाई है भैया से, ये एक बार उसका कलर देखो कितना सही लग रहा है। आकाश भाई ने ऑर्डर देके फुल बनवाया है। मैंने ये ऑर्डर देके बनवाई है। वैसे ऑर्डर पे बन जाते हैं कोई बनवाना चाहे तो? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो किस्मत है उसकी, मिल जाए तो। ऑर्डर पे कुछ नहीं आता। और यार ये मतलब ये अच्छी खासी हैवी है भैया। सबसे पहले तो इसकी रेंज बताओ, रेट वाली रेंज नहीं, वो शूटिंग वाली रेंज। जैसे भाई बैठे 70 मीटर अबव है, 70 मीटर तक आप खरीद सकते हो। तो अभी इसको हम लोड करने की नाकाम कोशिश करेंगे। हाथ पैर टूट जाए तो इस वीडियो को यहीं पे कट कर देना। हुई नहीं है शायद अभी। अरे बहुत, ये ना पता नहीं कुछ अलग ही टेक्निक लगती है, मुझे लग रहा है। हाँ वो भाई आवाज आ जाती है और ये लूज हो जाता है। हम करते हैं इतनी यार, ये ना झटके में कर देते हैं। आगे धीरे धीरे करते हैं। सो गाइस अभी इसका साउंड टेस्ट करते हैं। यार देखो 70 मीटर की रेंज बताए तो क्या पता इसका प्रेशर तेज हो। और हम कोशिश करेंगे किसको उड़ाऊं। दो भाई, एक ही है तो यहाँ पे एक ना मतलब बन्नी बोली बन्नी रख लो। इस पे ट्राई करते हैं। अरे ये देखो, देखो तो इसका मतलब इसका प्रेशर अच्छा खासा तेज है। तो भाई अगर इसकी रेट की बात करें तो कितना रहेगा? 14,000 में आपको अच्छी खासी शूटिंग प्रैक्टिस के लिए एक बहुत बेहतरीन गन मिल रही है। और इसमें मतलब हमारे पास दो कलर है, एक ब्लैक है और एक ये वाला कलर है। एक ब्लैक में दिखाऊं तो हमारे पास ये है और ये देखो, दोनों एक साथ देखो, ये देखो ब्लैक। यार ये बराबर ही है, ये वाला कलर देखो, अगर कोई सा भी कलर आप ले सकते हो। और सेम ही है दोनों, है ना, बस कलर का डिफरेंस है ना। और तो इसमें ये दो कलर आपको मिल जाएंगे। मैंने स्पेशली ये वाला कलर निकलवाया था क्योंकि मेरे को बहुत कूल लग रहा था। और उसके बाद हम आते हैं अगला इस पे जी। तो ये इसका नाम क्या है भैया? नेशनल 350 मैग्नम। और इसकी रेंज कितनी है? 100 मीटर। तो इस पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल 350 मैग्नम। ये देखो, और इसकी जो रेंज है वो है 100 मीटर। और ये भी सेम पर्पस इसका शूटिंग के लिए। और एक बार इसको लोड करने की नाकाम कोशिश करते हैं। करूँ गेट खुल रहा है। हाँ हो गई लोड, तुम्हारे भाई ने एक बारी में कर दी। और इसको भी नीचे ही चला के देखेंगे। ओ भाई मतलब ये ना पूरी यहाँ से लेके पूरी वाइब्रेट हुई है। और प्रेशर ऐसे रख के चलाओगे तो पीछे भी गिर सकते हो आप, है ना। तो इस भैया इसका क्या रेंज है और क्या रेट है इसका? 10,500 की, मतलब सबसे ज्यादा रेंज की यही है। बस इसमें ये कि वाइब्रेशन ज्यादा। हाँ इसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा देती है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें प्रेशर ज्यादा करा गया है इसकी रेंज बढ़ाने के लिए, तो इसमें वाइब्रेशन ज्यादा है। और अगले हम आते हैं इस पे। और अगर मैं इसकी बात करूँ लुक की, तो मेरे को इसका लुक बहुत सही लगा। ये देखो एक बार इसका डिजाइन देखो। और ये है NX200 एथेना जी, इस पे लिखा हुआ है नाम, मेरे को नहीं पता कभी, आप सोचते तो बड़ी नॉलेज है। और इसमें भी मतलब भैया एक बार इसमें फीचर्स बता दो क्या क्या अपने हाथ से।
ये बेसिकली शूटिंग प्रैक्टिस के लिए जो बच्चे शूटिंग में गेम में जाते हैं अगर वो कोई भी नया बंदा है तो वो इससे शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, और इसमें क्या होता है जब भी हम इसको लोड करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली लॉक लग जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे लॉक बटन दिया हुआ है, तो भी एक बार करके दिखाओ। ये हम इस तरीके से लेंगे इसको, ठीक है, यहाँ से आपका पैलेट डलेगा इसके अंदर। अब इसमें यहाँ लॉक लग गया है। अच्छा, तो हम इसको लॉक को आगे करेंगे इस तरीके से, लॉक खुल गया, तो इसको ये इस तरीके फायर। ओए, इसकी भी साउंड बहुत तेज है, तो इसमें भी साउंड कॉक लग सकती है? नहीं, इसमें साउंड कॉक नहीं लगेगी, ये खाली शूटिंग प्रैक्टिस के लिए। अच्छा भैया, जैसे अगर इसमें मतलब फोर्स सपोज अगर साउंड कॉक लगाते तो प्रेशर पे फर्क पड़ेगा? हाँ, गन खराब हो जाएगी, कुछ फायदा नहीं। अच्छा, तो इस पे मतलब इस पे आप एडवाइस नहीं करोगे लगाने? एडवाइस बिल्कुल नहीं देंगे आपको कि आप साउंड कॉक लगाओ इसमें। अच्छा, और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या जो भी इससे पहले मॉडल दिखाते ये भी उसी कंपनी का मॉडल है। अच्छा, और इसमें इस वाली में और इस वाली में क्या फर्क है? देखो मेरे को डिजाइन तो ऑलमोस्ट सेम लग रहा है जी, इसमें कंपनी ने आपको साउंड कॉक यूज करने का ऑप्शन। अच्छा, बस एक ये चीज ऐड ऑन करिए इसमें, है ना, अगर आप साउंड कॉक यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसमें मतलब लगा सकते हो। और इन दोनों में रेट का डिफरेंस भी है जी, ये 14,000 की, 9,000 की। अच्छा, ये बल्कि सस्ती है जी। अच्छा, तो एक बार इसको भी चला के दिखा दो भैया। ये भी इस तरीके से लेके सेम है, क्या यहाँ पे लॉक लग जाएगा? यहाँ पे लगा लॉक, फिर फायर, क्या बात है। ऐसी बेहतरीन पिस्टल इनके पास हैं जो कि मतलब खरीद सकते हो, और शूटिंग प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या दिखाने वाले मानव भी हम? अब आपको हम CO2 रिवॉल्वर से और पिस्टल से कहेंगे। हाँ, जो एक्चुअल शूटिंग के लिए होते हैं, जो यूज होती है, वो तो एक बार मैंने भी चलाई जब मैं चंडीगढ़ गया था, तो दिखाते हैं एक बार आप। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये जो यूज होती है ये मूवीज वगैरह में, सॉन्ग्स में, और जैसे आप शूटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आप जैसे आपको पता है यार, देखो अपने इंडिया में जैसे अगर आप ओरिजिनल का लाइसेंस बनवाने जाओगे तो आपको मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता है, और इतनी जल्दी बनता भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इससे अपना शौक पूरा कर सकते हो। सही कह रहा हूँ मानव भाई? बिल्कुल। तो 40-45 हज़ार में अपना शौक पूरा कर सकते हो, तो बाकी एक बार देखते हैं। तो दिखाएं मानव भाई जी, स्टार्ट इससे करते हैं मानव भाई। सबसे पहले मेरी देखो यार, इसी छोटी सी रिवॉल्वर पिस्टल, ये पिस्टल है, सॉरी रिवॉल्वर, एक्चुअल में रिवॉल्वर होती है ये जिसमें ये डलता है, और पिस्टल होती है ये। तो ये है वॉल्टर का PPK पिस्टल, यहाँ इसमें मेंशन भी हुआ है, इसका ओरिजिनल भी आता है इसमें जो इंपोर्टेड। और यार ये ना बहुत हैंडी है, बहुत हैंडी है, ये देखो कितनी हैंडी है, आराम से यहाँ लगा के हवाबाजी करना चाहते हो यहाँ कर सकते हो। और इसमें भी मतलब सेम वैसी है, और यहाँ से खुल के इसमें यहाँ पे मैगजीन होती है, यहाँ पे इसमें मैगजीन है। और इस CO2 कहाँ से डलता है भैया इसका? ये यहाँ से ओपन करके, अच्छा यहाँ से डल जाएगा। अच्छा भैया, एक बार मेरी ऑडियंस को बता दो CO2 एक्चुअल में होता क्या है। CO2 ये गैस, इसमें गैस होती है, 12 ग्राम गैस होती है जो इसके अंदर डलता है, इसके प्रेशर से सारा वर्क करता है, उसके अलावा नहीं करेगा खाली। और एक चीज, जब मैं चंडीगढ़ गया था ना, तब मैंने मतलब शूट करी थी, तो इसको क्या है, आपको वन टाइम यूज है ना जी, 24 घंटे के अंदर आपको इसको या तो निकालना पड़ेगा, और आप नहीं निकालते हैं तो इसमें गैस लीकेज की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिर वो आपकी गन भी खराब कर सकती है ना। तो ये है कि आप 24 घंटे में मतलब आपको यूज करना ही करना है, तो मैंने मतलब आपको बता दूं। और क्योंकि क्या है कि कई बार लोग ना कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन लेते नहीं, लेके चले जाते हैं, फिर बाद में भैया को परेशान करते हैं, ठीक है। और ये उसके बाद लग जाएगा, तुमने ही बंद करने की वो नहीं ली है क्या इन्फॉर्मेशन? हाँ, मैंने ही बंद करने की इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे देखो खुद ये देखो हो गया। और ये लोड मतलब नॉर्मल गन तो ऐसे लोड होती है ना, बट ये क्या है कि अपने आप लोड हो जाएगी है भैया, जब इसमें CO2 डलेगा तो ये ऑटोमेटिक चलती रहेगी, अब ऑटोमेटिक चलती रहेगी। और ये है, ये एक्चुअल शूटिंग के लिए बनी हुई है। और उसके बाद हम आ जाते हैं इसी के जो, ये देखो इसका बड़ा वर्जन है ये, और भाई ये बहुत सही है, देखो मतलब अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपको लगेगी नहीं ये CO2 गन है, मतलब एक नंबर बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन वगैरह एक नंबर है। और भैया कौन सी कंपनी की है वैसे? डेन वर्जन। और इसका रेट हमने बताया नहीं भैया, इसका कितना रेट? 40,000 की है। और ये इसका बड़े भैया, इसका भी 40,000, ये भी 40,000 की है। और ये भी सेम पर्पस, सेम इसमें पुल बैक नहीं होता है। अच्छा, इसमें पुल बैक नहीं होता? नहीं। अच्छा, और इसमें यहाँ इसमें खुलता भी नहीं है? हाँ, इसका बटन प्रेस करो। हाँ, इसकी जो मैगजीन है वो मतलब ऐसे डलेगी, इसमें वो डलेगा है ना CO2 सिलेंडर, इसमें डल जाएगा और ऐसे करके थार 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 करके यूज़ कर सकते हो आप। और उसके बाद भी कौन से दिखाने वाले हम? इसके बाद ये देखो, इसकी मैं ये सबसे बढ़िया है,
फुल मैट ब्लैक में है। क्या बात है, ये देखो। और वेट भी काफी, वेट भी अच्छा है। तो मतलब इसके अंदर भी CO2 है नहीं, उसके बाद इतना वेट है। इसमें क्या है, इसकी मैगजीन जो है वो कवर्ड हुई हुई है, तो उसमें CO2 नहीं दिखेगा। अच्छा, आपको थोड़ा और ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा ऐसे करके। और CO2 इसका यहाँ से डलता है, ये खुल के निकल जाएगा और CO2 डल जाएगा। और ये पुल बैक होती है। हाँ जी। ओ भाई, अभी लॉक लगा होगा। अच्छा, इसमें लॉकिंग सिस्टम है। लॉकिंग सिस्टम भी है, ये इस तरीके से ऑटोमेटिक चलती रहेगी। अच्छा, ये देखो, वाह। तो ये कितने की भैया? 45,000। और उसके बाद हम आ जाते हैं एक कॉबॉय जो यूज करते हैं ना, ये बहुत भारी, दिखने में बहुत हल्की है बट ये भी बहुत भारी है। और इस एक बार इसका डिज़ाइन देखो कितनी सही लग रही है। और ये कितने की रहेगी भैया? 45,000 है जी। क्या बात है, तो 40-45,000 में आप अपना तरीके से यहाँ से खुल जाएगी। अच्छा, ओहो। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि ये डलते हैं और इसके अंदर बॉल डलेगी, बॉल चली जाएगी, बट ये क्या शेल इसी में रहेंगे। और ये ऐसे करके मस्त यूज़ कर सकते हो। और एक बार ये वाली मैं खोल के दिखा दूँ, ये दिखा दिया हमने नहीं। और ये किए है हमारे पास गोल्डन कलर में, ये यहाँ से इस तरीके से खुलेगी, ये देखो। इसलिए बोलते हैं इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, अगर ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो टूटने के चांसेस। ये देखो शेल्स इसके बाहर आ जाते हैं, शेल्स के अंदर गोलियां डालो, शेल्स वापस लगाओ और CO2 डालो और अपना खट 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 करके यूज़ कर सकते हो। और इसमें भैया बताते हैं, इसमें भैया दो कलर है ना, इसमें सिल्वर है, सेम मॉडल, एक सिल्वर और एक गोल्ड। तो मतलब सही है, अपना शौक पूरा कर सकते हो आप। जैसे ओरिजिनल तो देखो बहुत कम लोगों के पास होती है और इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है, तो इसलिए यही है कि यही लो और अपने इससे शौक पूरा करो। एक और देख रहा हूँ, और ये भैया कितने की भैया? 40। अच्छा, इसका क्या नाम है? हेल लेजर एम। क्या बात, ये लॉक अनलॉक का सिस्टम इसमें भी है। और एक ये कितने की बताई थी भैया? 40,000। क्या बात है, मतलब 40-45,000 में आप एक अपना ओरिजिनल का शौक पूरा कर सकते हो। और गाइस देखो, बाकी जो डिटेल्स है वो भाई के इंस्टाग्राम पे और भाई के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। मैं होप करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को देखने को मिली होगी। क्योंकि क्या यार, ऐसी चीज़ें ना मतलब बहुत कम लोग दिखा पाते हैं, डिटेल में नहीं दिखा पाते हैं। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप भैया को परेशान कर सकते हो। परेशान तभी करना जब आपको लेनी हो या आपको डिटेल्स लेनी हो, अगर आप शूटिंग में इंटरेस्ट हो तो तभी आप लेना। और मैंने भी अपना इंस्टाग्राम डाला है, आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। तो अभी निकलते हैं हम घर के लिए, तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कौन सी लेनी चाहिए? हाँ, और मेरे को बताओ ये कौन सी लेके जानी चाहिए मेरे को, जो भी और भाई भी प्रैंक कर पाएंगे थोड़ा, और भाई माथे पे लगा दूँ चुपचाप रात को अपने आस पास के लोग लेके। और मैं ये बोलूँ यार, इसको ना बस अपने एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से लेके जाना, अपने लेके जाना। कभी आप सोचो कि सूरज भाई जैसे भी लगा के वसूली कर दो, तो ऐसा नहीं चलेगा बॉस, है ना भैया। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ मैं, इनको ओरिजिनल के लिए परेशान या देसी कट्टे के लिए परेशान मत करना, है ना भैया। आते होंगे भैया कट्टा मिल जाए, तो उन सब के लिए प्लीज़ परेशान मत करना यार इन लोगों को। सो गाइस, मैं आ गया हूँ घर। और गाइस मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन सी गन आपको सबसे बढ़िया लगी। जिस गन के कमेंट सबसे ज़्यादा होगी वही गन तुम्हारा भाई लेके आएगा, और फिर उससे हम बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाएंगे। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत सही आने वाली, पहली बार ऐसा कुछ मेरे चैनल पे आने वाला है। तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बेल आइकन दबा लो, उससे आपके पास क्या होगा नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।